नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की आज की सुर्खियों में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए बात करते हैं आज की सुर्खियों की। हैदराबाद में एक हॉस्टल में छात्र को पीटे जाने का मामला आया सामने। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे भी लगवाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले को लेकर पीड़ित छात्र की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित छात्र ने की इंसाफ की मांग। सीनियर छात्रों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कमेंट करने का लगाया आरोप। मुंबई से सटे थाने में सिगरेट लाने से मना करने पर एक दोस्त ने दूसरे की बेरहमी से की पिटाई। दूसरे दोस्त की हुई मौत। डोंबिवली में जयेश यादव और उसके दोस्त के बीच सिगरेट लाने को लेकर हुआ विवाद। वकुल ने जयेश से सिगरेट लाने को कहा। जयेश के इनकार करने पर दोनों में हुई मारपीट। जयेश के सिर में लगी चोट। झगड़े के बाद जयेश घर जाकर सोया, लेकिन सुबह उठा नहीं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जयेश को किया मृत घोषित। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने की जांच। सीसीटीवी फुटेज से सारा मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नागपुर में चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। हादसे में कार पूरी तरह जलकर राख। मौके पर फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। आरोपी ने पहले बच्ची को किया किडनैप, उसके बाद दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले भी जेल जा चुका है दुष्कर्म का आरोपी। थाने में पुलिस ने नकली नोट के काले कारोबार का किया भंडाफोड़। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगभग 8 करोड़ रुपए की नकली करेंसी पुलिस ने बरामद की। अमेरिका के डलास में आपस में टकराए सेना के दो विमान। एयर शो के दौरान हुआ हादसा। दोनों विमानों के आपस में टकराते ही लगी आग। आसमान में उठा काला धुआं। एक विमान दो हिस्सों में उड़ा, दूसरे के हवा में उड़े पर खच्चे। दिल्ली एनसीआर में फिर आया भूकंप। रेक्टर स्केल पर 5.4 नापी गई भूकंप की तीव्रता। 24 सेकंड तक महसूस हुआ भूकंप। एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप। नेपाल में था भूकंप का एपिसेंटर। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का किया वादा। किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ करने का किया वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी जिक्र। कहा कि अगर सत्ता में आए तो स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगभग 66% हुई वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सिरमौर में सबसे ज्यादा 72% हुआ मतदान। किन्नौर में डले 62% वोट। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर मिलते हैं कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।